हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। दिस क्लास इज़ फॉर 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर नंबर 2, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। सो स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो के ऑलरेडी हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं, उसके आगे के पॉइंट्स इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। जिन भी बच्चों ने अभी पार्ट फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है एक्सप्लेनेशन की, वो चैनल पर जाके देख लेंगे, वहाँ पे एडेड है। और आपको दूसरा वर्क ये करना है, आपको फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्यूशन अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेना है और लर्न करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। लर्न करना स्टार्ट कर देना है। आपकी मैम ने आपको एक्सप्लेन करते हुए सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, लर्न करते रहिए, एक्सरसाइज कंप्लीट करिए कॉपी में, जिससे अगर आगे जाके स्कूल ओपन्स भी होते हैं तो आपकी कॉपी टाइमली चेक हो सके और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सके। कल हमने जहाँ तक पढ़ाई की थी और इसका कुछ मैम ने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट दिया था इस चैप्टर का, काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हैं इंट्रोडक्शन पार्ट कहाँ पे करना है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट आपको अपनी कॉपी में करना है और न्यू पेज से विद न्यू चैप्टर हेडिंग के साथ करना है इंट्रोडक्शन पॉइंट को, ठीक है। व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे क्वेश्चन इंट्रोडक्शन पॉइंट्स में आपको दिए गए थे, वो आप लोग कर लेंगे अपनी कॉपी में। और जो भी पार्ट फर्स्ट का वीडियो है वो भी आप देख लेंगे। आज मैम आपको पार्ट टू पढ़ाएंगी, पार्ट फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी पढ़ा चुकी हैं। तो आपको क्या करना है, पार्ट फर्स्ट के सारे वीडियो देख लेने हैं, सारे टॉपिक समझ लेने हैं। आज उसके आगे का पॉइंट कवर अप होगा। सो स्टूडेंट्स, कल हम इस सारे पॉइंट्स को ऑलरेडी देख चुके हैं, एक शॉर्ट रिवीजन ले लेंगे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो का। स्टार्टिंग ऑफ का पॉइंट आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, यहाँ पे आप लोग हमेशा, मैम ने आपको एक चीज़ बताई हुई है कि जब भी आप YouTube पे क्लास देखेंगे आप अपनी पेंसिल और बुक अपने साथ रखेंगे, जहाँ पे मैम आपको बोलेंगी ये इम्पॉर्टेंट है या यहाँ पे अंडरलाइन करना है, तो वो आप जल्दी से मार्क कर लेंगे पेंसिल से। तो स्टार्टिंग ऑफ का ये जो पॉइंट है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज़ कॉल्ड स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर विजिबल ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे विजिबल होते हैं, अंडर अ माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कैसे देखते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आप इम्पॉर्टेंट का साइन लगाएंगे या डबल स्टार लगाएंगे, या आपके जब हायर क्लासेस में जाएंगे या अभी भी आपको टेस्ट में, एग्जाम्स में, शॉर्ट आंसर में, एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैसे पूछेगा, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, ऐसे करके आपको पूछ सकते हैं, आपकी मैम पूछ सकती हैं। तो आपको क्या करना है, इसे लर्न कर लेना है और डबल स्टार भी लगा लेना है। उसके बाद हमने देखा था कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, उनके शेप्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, अलग अलग शेप्स के होते हैं वो, इसके बारे में हमने कल की वीडियो में डिस्कस कर लिया। उसके बाद कल हमने डिस्कस किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम अपने आँखों से नहीं देख सकते, डायरेक्टली हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने का पार्ट में क्लासिफाइड है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म 4 पार्ट में क्लासिफाइड है, कौन कौन से, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू अ 4 मेजर ग्रुप, दैट इज बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं, ये एयर में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, सॉइल में रहते हैं, इवन इनसाइड अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ रहते हैं, एयर, वाटर, सॉइल एंड अदर ऑर्गेनिज्म। फिर यहाँ पे इस टेबल के बारे में हमने डिस्कस किया था डिजीज़ एंड देयर कॉजेटिव माइक्रोब्स,
डिजीज़ कौन कौन से होते हैं और उसको कॉज करने वाले एजेंट कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे मैम ने आपको कल डिस्कस किया था और मैम ने आपको बताया था कि ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको क्या करना है, डबल स्टार लगा लेना है। तो डिजीज़ कौन कौन से हैं और उसके कॉज कौन करता है, तो यहाँ पे हमने कल देख लिया, तो कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, कफ़ है, रेबीज़ है, हेपेटाइटिस ए है वो वायरस के कारण होता है, डायसेंट्री, मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, प्रोटोजोआ के कारण होता है, एंड टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा, टिटनेस, वूपिंग कफ, डिप्थेरिया किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। हमारी बॉडी वायरस, प्रोटोजोआ या बैक्टीरिया के अगर कॉन्टेक्ट में आती है, या हमने कुछ गंदा खाना खा लिया है, पानी पी लिया है, या हम किसी ऐसी जगह चले गए हैं जहाँ पे कूड़े पड़े हुए हैं, तो हमें ऐसी बीमारियाँ हो सकती हैं क्योंकि वहाँ पे वायरस, प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया के होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये टेबल इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में मैम आपको एक शॉर्ट नोट्स बना के देंगे, तब आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। फिर ये प्रैक्टिकल टास्क है जो ऑलरेडी हम पिछली वीडियो में समझ चुके हैं। प्रैक्टिकल टास्क किस लिए है, टू शो दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव एवरीवेयर। ये शो कर रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में भी प्रेजेंट होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाटर में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे खाने में भी प्रेजेंट होता है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से खाने में, कौन कौन से फूड में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है, कौन सा ह्यूमन के लिए हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ह्यूमन की हेल्थ के लिए हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हार्मफुल भी हैं, बट बहुत सारे ऐसे भी हैं जो हेल्पफुल भी हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, इसके नेक्स्ट पेज में। आप लोग अपनी बुक अपने साथ लेके बैठिए और पेंसिल भी रखिए। यहाँ पे दिया हुआ है प्रैक्टिकल टास्क नंबर 2, क्या कर रहा है यहाँ पे, क्या बता रहा है, ऑब्जर्विंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वाटर फ्रॉम अ वाटर बॉडीज़। ठीक है, हम वाटर बॉडीज़ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, यू विल नीड अ ग्लास लाइट एंड माइक्रोस्कोप। वाटर बॉडी क्या होता है, जैसे कि हमारे आसपास कोई नदी बहती है, ठीक है, गंगा नदी है या बहुत सारी नदी हैं, उसको हम वाटर बॉडीज़ कह सकते हैं, झीलें हैं, हम उसको चेक करेंगे कि क्या उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मेथड क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है, पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। क्या मेथड यहाँ पे दिया हुआ है, टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर। आपको क्या करना है, अगर आपके आसपास पॉन्ड हो, छोटी मोटी झील हो या नदियाँ बहती हों, तो आपको क्या करना है, उसमें से थोड़ा सा वाटर ले लेना है, उसको स्लाइड में, स्लाइड ऐसी होती है आप सबको पता है, वन सेकेंड, हाँ स्लाइड कैसी होती है स्टूडेंट्स, स्लाइड ऐसी होती है लंबी सी, आपको क्या करना है, ड्रॉपर होता है, ठीक है, उससे आप, उसकी मदद से आपको इसमें 3-4 ड्रॉप वाटर लेना है और स्लाइड में यहाँ पे थोड़ा सा रख देना है। ठीक, फिर जब आप इसको, इस स्लाइड को ले जाकर माइक्रोस्कोप के नीचे लगाएंगे, वहाँ पे देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, टाइनी सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स फ्लोटिंग। यहाँ पे दिया है व्हाट हैपेंस, आपको क्या दिखेगा, यू विल सी टाइनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फ्लोटिंग अबाउट स्विफ्टली अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द स्लाइड। ठीक है, तो स्लाइड की लेंथ एंड ब्रेथ में आपको दिखेगा, जब यहाँ पे आप वाटर डाल देंगे तो दिखेगा आपको यहाँ पे कि छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो यहाँ पे फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको इससे पता चलता है कि वाटर बॉडीज़ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, जो खुले में वाटर प्रेजेंट होता है, नदियाँ हैं, इन सब में छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। और आजकल आपको पता है क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, इसके कारण नदियों में, इन सब जगह पे, रिवर पे बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन के लिए अच्छे नहीं हैं, हार्मफुल हैं। क्यों हो रहा है ऐसा, बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, तो एक तरीके से हमें हमेशा मिलकर के अपने घर के आसपास साफ़ सफाई रखनी चाहिए, जितना ज़्यादा क्लीननेस होगा उतना ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन कम होगा और हम हेल्दी होंगे। ठीक है, नाउ यू नो, यहाँ पे आपने इस प्रैक्टिकल टास्क के क्या देखा, नाउ यू नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर
वेरियस शेप्स, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑफ वेरियस शेप एंड साइज. तो वहाँ पे माइक्रोस्कोप में आप देख लेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी. इसलिए प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जाता है कि हम देख सके, हम जो पानी पीते हैं या जिस पानी का इस्तेमाल करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में, रिवर में या छोटे छोटे से पॉन्ड में पानी जो प्रेजेंट है वो साफ़ है कि नहीं है. क्योंकि आज पॉल्यूशन ज़्यादा है इसलिए वाटर साफ़ नहीं होता है. पहले के टाइम पे पॉल्यूशन इतना नहीं था तो इस पानी को लोग पीते थे, ठीक है, इस पानी को लोग अपने यूज़ में लेते थे. बट पॉल्यूशन के कारण ये वाटर ऑलरेडी थोड़ा सा पोल्यूटेड है. तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सफाई करनी है. हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव, उसका हैबिटेट ये देखेंगे हम इस पैराग्राफ में. पहले तो पेन सेलेक्ट कर लेते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव इन ऑलमोस्ट एनी काइंड ऑफ एनवायरमेंट, इन हॉट डेजर्ट, पोलर आइस कैप, सॉल्ट वाटर, मर्सी लैंड्स एंड इवन इनसाइड अदर ऑर्गेनिज्म्स. तो एक तरह से देखा जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, ये हर जगह पाए जाते हैं. हॉट डेजर्ट एरिया में, हॉट डेजर्ट एरिया कहाँ पे होता है, राजस्थान साइड पे. फिर पोलर आइस कैप की बात करें, सॉल्ट वाटर की बात करें तो उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मर्सी लैंड्स में एंड इवन इनसाइड द अदर ऑर्गेनिज्म लाइक अदर एनिमल्स, इन सब के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं. तो ये मैम ने आपको पहले ही बता दिया कि कुछ इसमें हार्मफुल होते हैं और कुछ यूज़फुल होते हैं. इसके आगे का देखते हैं पैराग्राफ. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल सम एग्जिस्ट फ्रीली, ठीक है. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रो करते हैं या उनके बॉडी में ग्रो करते हैं. लाइक आप किसी भी एनिमल्स को ले लीजिए, उसके हमेशा बॉडी में उसके हाथ पैर गंदे होते हैं. कहते हैं ना, अगर सड़क में कोई डॉग घूम रहा है तो आप उसको डायरेक्ट टच मत करिए. क्यों? क्योंकि वो बहुत दिन से नहाया नहीं होगा, उसके बॉडी में कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जो आपके हाथों में लग जाएंगे और आप बीमार हो सकते हैं, ठीक है. तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म की में एग्जिस्ट करते हैं और कुछ फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं. अमीबा कैन लीव अलोन वाइल फंजाई एंड बैक्टीरिया लीव इन कॉलोनीज. तो यहाँ पे क्या दे रहा है, अमीबा फैमिली की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो कैसे रहते हैं, वो अकेले रह लेते हैं, मतलब पानी के ऊपर ग्रो कर जाएंगे या गीली जगह पे अमीबा ग्रो कर जाता है, ठीक है. लेकिन जो फंजाई एंड बैक्टीरिया हैं वो कैसे रहते, लीव इन कॉलोनीज, मतलब अपनी जनसंख्या को बढ़ाकर एक जगह पे बहुत सारी जगह पे ऐसे इकट्ठा होकर रहते हैं, अपनी कॉलोनी बना लेते हैं, अकेले नहीं रहते. आसपास ढेर सारे फंजाई ग्रो कर लेंगे, कॉलोनी बना लेंगे, हार्मफुल भी रहता है ये हमारे लिए. तो यहाँ पे आपने देख लिया अमीबा क्या है, अमीबा कैन लीव अलोन बट फंजाई एंड बैक्टीरिया लीव इन कॉलोनीज, ठीक है. दे रेंज इन साइज, इनका साइज़ क्या होता है, फ्रॉम 0.2 to 100 माइक्रॉन्स एंड कैन ओनली बी सीन विद द एड ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है. तो ये कितने बहुत ही छोटे होते, बहुत छोटे होते जो हमें अपनी आँखों से डायरेक्टली दिखते नहीं है, ये हमें माइक्रोस्कोप से देखने पे ही दिखेंगे. दे कैन सर्वाइव इन ऑल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट एंड टेम्परेचर. तो आप जानते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बदलता रहता है, ठीक है. मॉनसून में टेम्परेचर बदल जाता है, फिर आप विंटर सीज़न की बात कर रहे हो तो विंटर सीज़न में ठंड पड़ती है, वहाँ पर टेम्परेचर हमारे एनवायरनमेंट का बदल जाता है. और गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी लगती है, ठीक है. तो इसमें अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टेम्परेचर अकॉर्डिंग हर सीज़न में ग्रो करते हैं. इसलिए अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि आप सब बड़े बच्चे, आपको पता है COVID-19 भी है इस टाइम पे. बहुत सारे लोगों को COVID-19 हो रहा है, ब्लैक फंगस हो रहा है. क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस पॉल्यूशन. तो आपको अपने आसपास की जगह को साफ रखना है, जितना ज़्यादा आप साफ रखेंगे, क्लीन रखेंगे, आप उतने ज़्यादा सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे. इसके आगे चलते हैं. During unfavorable condition, they enclose themselves in hard resistance covering called cyst. When favorable condition arise, the cyst rupture and microorganism come out and multiply. यहाँ पे क्या बोल रहा है,
ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आप कौन से कंडीशन में, ह्यूमंस की बात करें, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, पहले तो पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के लिए कौन सी कंडीशन अच्छी होती है, आपके लिए कौन सी कंडीशन कंफर्टेबल होती है, आपको प्रॉपर फूड मिलता रहे, प्रॉपर वाटर मिलता रहे, गर्मियों में आप अपने घर के अंदर रहें, ठीक है, कूलर या एसी और फैन का यूज़ करते हुए रहे, तो आप लोग के लिए कंडीशन नॉर्मल होती है, आपको गर्मी नहीं लगती है। वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इनको भी अगर टेम्परेचर बढ़ता है हमारे एनवायरनमेंट में, ये घटता है, कम होता है, तो इनको दिक्कत होती है, तो ये क्या करते हैं, ये अपने आसपास सिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। जैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाया हुआ है, तो सिस्ट कैसा होता है, मान लीजिए ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, इन्होंने अपने आसपास ऐसे एक कवरिंग बना ली, इस कवरिंग को हम क्या बोलेंगे, सिस्ट बोलेंगे। इन्होंने ये कवरिंग क्यों बनाई है, क्योंकि जो कंडीशन है, जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो क्या है, इनके अकॉर्डिंग फेवरेबल नहीं है, मतलब ये उसमें एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर इन्होंने ये सिस्ट को नहीं बनाया, अपनी कवरिंग को नहीं बनाया, तो ये क्या करेंगे, जल्दी से डाई कर जाएंगे, जल्दी से मर जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, अपनी सेफ्टी के लिए सिस्ट बना लेते हैं, जिससे ये सेफ रहते हैं। और फिर जब फेवरेबल कंडीशन आती है, मतलब जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर या जिस वाटर बॉडीज़ में ये प्रेजेंट है, एयर में प्रेजेंट है, सॉइल में प्रेजेंट है, जब इनके अकॉर्डिंग इनका टेम्परेचर फेवरेबल कंडीशन आ जाती है, कंफर्टेबल होते हैं, तो ये सिस्ट क्या होता है, रप्चर कर जाता है। क्या होता है, रप्चर मतलब ब्रेक हो जाता है, और ये वापस से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एनवायरनमेंट में डायरेक्टली प्रेजेंट हो जाते हैं, और हमारे लिए हार्मफुल तो होते ही हैं, बट क्या करते हैं, रप्चर कर लेते हैं, अपनी सिस्ट को तोड़ लेते हैं, तोड़ने के बाद ये फ्रीली हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, कम आउट एंड मल्टीप्लाई। फिर जब ये अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं उस कंडीशन से, सिस्ट से इन्होंने अपने आप को बाहर निकाला, ये ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सिस्ट है, ठीक है, सिस्ट की कवरिंग है। इसके बाद इन्होंने अपने आप को बाहर एनवायरनमेंट में फ्री कर लिया, और उसके बाद अपने आप को मल्टीप्लाई करने लगा, मतलब एक ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म 10 में या 100 में फिर से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह हमारे जो एनवायरनमेंट में, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ बढ़ती जाएगी, इसी तरीके से फंगस बढ़ते जाते हैं, बैक्टीरिया बढ़ता जाता है। इससे क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होंगे, तो ह्यूमन की लाइफ डेंजर होगी, डेंजर में होगी, और बीमार पड़ जाएंगे सारे लोग। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने आसपास के एरिया को साफ़ सुथरा रखना है, क्लीन रखना है, जितना ज़्यादा हो सके उसको क्लीन रखिए। यहाँ पे देखिए इमेज में दिया हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का, ये इमेज स्कैन पार्ट दिया है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म कैसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं, ठीक है, कैसे दिखते हैं, ये बैक्टीरिया है, ये वायरस है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारी बॉडी में जाते हैं, तो वो बहुत ही छोटे होते हैं, पहली बात तो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, जो गंदगी है, धूल है, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हमें दिखते नहीं हैं। लेकिन माइक्रोस्कोप से अगर ये फ़ोटो किससे ली गई है, माइक्रोस्कोप को अच्छे से जूम करके ली गई है, तो यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है आपको इस फ़ोटो में कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म कैसे होते हैं। जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो ऐसे दिखते हैं, बहुत छोटे होते हैं, हमारी बॉडी में जाके हमें नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आपको बैक्टीरियल वायरस दिया हुआ है, ये वायरस कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। वायरस का शेप कैसा होता है, ऐसा होता है, और बहुत ही छोटा होता है, तो हमारी बॉडी में जाता है, बहुत आसानी से हमारे बॉडी के सेल्स को अंदर से हार्मफुल होता है, हमारे सेल्स को ब्रेक करता रहता है, हम लोग बीमार हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता, वायरस का शेप ऐसा होता है। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद यहाँ पे आगे क्या दिया है, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो स्टूडेंट्स, यहाँ के आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, हमने प्रैक्टिकल टास्क 2 कम्प्लीट किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव, उनका हैबिटेट के बारे में बात की, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग क्यों है, बिकॉज आप सबको पता है अभी COVID-19 है, या काफ़ी सारी दूसरी बीमारियां लोगों को हो रही हैं। क्यों हो रही हैं, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट क्या है, पॉल्यूटेड है।
बीमारियां इस टाइम पे लोगों को ज़्यादा क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ दिस पॉल्यूशन। तो आपको क्या करना है, सेफ रहना है, अपने आसपास की जगहों को साफ सुथरा रखना है, अपने आप को बचा करके रखना है, जिससे आप लोग हेल्दी रहें। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और इस चैप्टर से रिलेटेड आपको जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि आपको अपने आसपास सफाई क्यों रखनी है, ये सारी चीज़ें। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैम आपको PDF के फॉर्म में, ठीक है, इमेज के फॉर्म में आपके ऐप में प्रोवाइड करवा देंगी। थैंक यू।